हेलो गाइस, इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा इलाइट मोशन का, तो उसे ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको ओपन करना नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कैसे ओपन करना है। फिर आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है, FPS को सबसे हाई वाला रखना है, अभी 30 आ रहा है तो 30, और ब्लैक को ब्लैक आप चाहें जो रख सकते हैं। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर प्लस दबाना है, प्लस का आइकन, फिर इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से अपने वीडियो को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद इसको आप ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से जितना आपको उस तक से चाहिए उतने रखिए, तो यहाँ से ट्रिम कर लो, जितना पार्ट रखना है उतना आ चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, अब यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर ऐड इफेक्ट पर, फिर आपको कलर है लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है, फिर आपको जाना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्राइटनेस को 15 पर कर देना है, 15 पे फिक्स कर दो, और कॉन्ट्रास्ट को 35 पे कर दो। उसके बाद आपका वीडियो कुछ धुंधला टाइप का अजीब सा दिखेगा, ठीक हो जाएगा। फिर इफेक्ट पे क्लिक करो, फिर से एड इफेक्ट, फिर से कलर एंड लाइट, फिर इसमें नीचे जाना है आपको, और सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस का ऑप्शन दिखेगा, सेचुरेशन उस पर क्लिक करना है, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ऐड कर लेना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है सेचुरेशन पे, फिर इस सेचुरेशन को फुल कर देना है और वाइब्रेंस को भी फुल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बैक का ऑप्शन, उसको दबाना है एक बार, फिर वापस जाना है एड इफेक्ट में, फिर एड इफेक्ट में जाके पे जाना है, फिर ब्लर पे जाना है, फिर आपको शार्प पेन करके एक ब्लर दिखेगा शार्पन, उस पर क्लिक करना है, सेंटर सेटिंग पे ऐड करना है, फिर शार्पन की जो रेडियस होगी उसको आपको 1.5 पे कर देना है, जो शार्प है उसको थोड़ा कम कर देना है, 0.50 कर सकते हैं, 0.50 कर सकते हैं सबसे सही रहेगा, 45 कर देते हैं, 0.50 कर दीजिए, हो गया। अब ये काफ़ी सही लग रहा है। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर शेप में जाने के बाद ये वाला रेक्टेंगल ऐड करना है जो नीचे है, वो थर्ड लाइन वाला, ये वाला, उसके बाद इसको बड़ा कर लेना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, जितना आपका स्काई है उतना रखना है इसको, तो यहाँ तक है आसमान, तो यहाँ तक रख लिया। उसके बाद इस रेक्टेंगल वन पे क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है, उसके बाद ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं पे, हाँ उसके बाद कलर एंड लाइट में जाना है, एक्सपोजर एंड गामा इसको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लो, फिर एक्सपोजर को फुल कर लो, गामा को 0 कर दो, फिर यहाँ से बैक दबा दो, उसके बाद एड इफेक्ट में जाओ, आप इस एड इफेक्ट में जाओ, फिर ब्लर में जाओ, फिर यहाँ पे गॉशियन ब्लर दिखेगा उस पर क्लिक करो, स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दो। ये सब हो जाने के बाद थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं, सही हो गया। अब आपको वापस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर गॉशियन ब्लर पे क्लिक करना है,
फिर जो 150 है इसको आपको बढ़ाना है, हाँ आपको 995 कर देना है इसको। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है वापस, फिर इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट करना है। उसके बाद कलर है इसका कलर एंड लाइट में है, उसके बाद कलराइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ऐड कर देना है। अब इस कलराइज वाले पे फिर से क्लिक करना है। अब इसको आपको सोनी गेमिंग पिंक कलर का करता है, तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन पिंक वाला अच्छा लगेगा तो इसको आपको खींच के ऊपर लेके जाना है, पिंक की तरफ पूरा पिंक कर देना है इसको एकदम डार्क। उसके बाद यहाँ से बैक दबाना है, उसके बाद इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है एक बार, तो फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे लाइटन दिखेगा, लाइटन में सबसे लास्ट में लीनियर डॉच दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और वीडियो के लास्ट में जाना है आपको, इसको स्वाइप करके फिर ये बटन दबा देना है। सोनी गेमिंग वैसे तो कम ही रखते हैं तो इतना ठीक रहेगा, अभी बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर इफेक्ट में जाओ, फिर जो एक्सपोजर एंड गामा है उसके ऊपर फिर से क्लिक करो। अब आप गामा को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा इसका कलर, वो देखो कलर बढ़ने लग गया। इसको वापस कम कर सकते हैं, तो आपको इसको लगभग इसको रखना है 100 पे, सबसे अच्छा लगेगा 100 पे। उसके बाद आपको ऊपर ये बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है सेटिंग के पास में। उसके बाद जो एक्सपोर्ट का बटन है उस पर नहीं दबाना है, पहले पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इस रेजोल्यूशन को फुल पे करना है, कोडेक को वही रहने देना है, फ्रेम रेट्स को फुल करना है और क्वालिटी जो कम होगी इसको फुल करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी।